नमस्कार, किरण्स किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को महाअष्टमी पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं देवी जी को भोग लगाने के लिए प्रसाद की थाली तैयार कर रही हूँ, तो आइए झटपट से बनने वाले प्रसाद को बनाना शुरू करते हैं। देवी जी का भोग बनाने के लिए सबसे पहले हम हलवा बना लेते हैं। मैंने आधी कटोरी सूजी ली है। सूजी हम मोटी या बारीक कोई भी ले सकते हैं। 2 टेबल स्पून शक्कर है। शक्कर भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ी सी ज़्यादा या कम कर सकते हैं। थोड़े से ड्राई फ्रूट्स हैं, इसमें मैंने काजू, बादाम और किशमिश ली है, और 1 टेबल स्पून घी। गैस पर कढ़ाई गर्म होने के लिए रख दी है। जो हमने 1 टेबल स्पून घी लिया है, ये हम इसमें डाल देंगे। मैं फ्रेंड्स कम घी का ही हलवा बना रही हूँ। अब इसमें हम सूजी डाल देंगे और लो मीडियम फ्लेम पर इसे लगातार चलाते हुए बादामी रंगाने तक भून लेंगे। सूजी अच्छे से भुन गई है, इसका कलर भी चेंज हो गया है। अब इसी में हम ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे। इसे हमने अलग से घी में नहीं भूंजा है, इसी के साथ ये भुन जाएगा, तो अब इसे भी हम 1-2 मिनट के लिए भून लेते हैं। ड्राई फ्रूट्स को भी 1-2 मिनट के लिए हमने भून लिया है। जिस कटोरी से मैंने सूजी नाप के लिया था, उसी से मैं डबल पानी डाल रही हूँ। आधी कटोरी सूजी थी, तो मैं उसमें 1 कटोरी से थोड़ा सा ज़्यादा पानी डाल रही हूँ। और जो हमने शक्कर ली थी, वो शक्कर भी हम इसमें डाल देंगे। हमें अलग से चाशनी बनाने की ज़रूरत नहीं है। अब लो मीडियम फ्लेम पर इसे हम लगातार चलाते रहेंगे, जब तक कि हलवा अच्छा गाढ़ा ना हो जाए और सूजी पूरा पानी न सोख ले। दो तीन मिनट हमने इसे अच्छे से चलाते हुए भून लिया है। हमारा हलवा बिल्कुल बनकर तैयार हो गया। आप देख सकते हैं कि कितनी जल्दी हमारा सूजी का हलवा बनकर तैयार है, और हमने इसमें ज़्यादा घी भी नहीं डाला है, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं कि हलवे ने घी छोड़ दिया है। मतलब कम घी में भी सूजी का हलवा बहुत अच्छे से बनकर तैयार हो जाता है। यह हमारा हलवा बनकर तैयार है। अब हम चने बना लेते हैं। मैंने 1 छोटी कटोरी ही काले चने हैं, उसे भिगो के रख दिया था। ये 6 से 7 घंटे के लिए मैंने इसे भिगो लिया था। ये अच्छे से फूल गए हैं। अब इसे हम प्रेशर कुकर में ट्रांसफ़र कर देते हैं। और 1 कटोरी चना था, भीगे हुए हैं, तो हमें इसमें ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है। मैं इसमें 1/4 कटोरी के करीब ही पानी डाल रही हूँ। और 1/2 चम्मच नमक। अब ढक्कन लगाकर हम इसकी 2 से 3 सीटी ले लेंगे हाई फ्लेम पर, और 2-3 मिनट के लिए इसे स्लो फ्लेम पर अच्छे से कुक होने देंगे। कुकर का प्रेशर खत्म हो गया है, हमने ढक्कन खोल लिया है, और आप देख सकते हैं कि इसमें कितना थोड़ा सा पानी बचा है। मतलब हमने जो पानी डाला था वो भी बिल्कुल ठीक था। अब हम चने को चेक कर लेते हैं। इस तरह से चने दब रहे हैं, मतलब हमारे चने अच्छे से कुक हो गए हैं। देख सकते हैं बहुत अच्छे से दब रहे हैं। अब हम इसका छोक लगा लेते हैं। गैस पर मैंने छोटा वाला पेन गर्म होने के लिए रख दिया है। इसमें मैं 1 टेबल स्पून ऑयल डाल दे रही हूँ। एक तिहाई चम्मच जीरा, 1/2 चम्मच भी अच्छे से क्रेक हो जाता है, फिर हम आगे की प्रोसेस शुरू करते हैं।
जीरा अच्छे से चटक गया है, अब हम इसमें जो चने हैं उसे डाल देंगे। और हम इसमें मसाले भी डाल देंगे। नमक हमने चने उबाल के समय डाल लिया था, 2 चुटकी हींग सॉरी हल्दी, 1 चम्मच धनिया पाउडर और 1/2 चम्मच लाल मिर्च, बस इससे ज़्यादा हम इसमें कोई मसाला नहीं डालेंगे। और नमक चने में जो डाला था उतना ही सफिशियंट है, हमें बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अब गैस की फ्लेम को हम मीडियम हाई पर रखेंगे और इसका ये जो थोड़ा सा पानी है वो सूखने तक गैस पर ही इसे अच्छे से कुक करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारे देवी जी के भोग के लिए चने भी बिल्कुल बनकर तैयार हो गए हैं। इसका ये पानी सूख गया है और हमारे चने बिल्कुल बनकर तैयार हो गए हैं। गैस की फ्लेम को अब हम ऑफ कर देंगे और अब हम पूड़ी बनाने की तैयारी कर लेते हैं। पूड़ी बनाने के लिए 1 बाउल मैंने गेहूं का आटा लिया है, उसे हम बाउल में डाल लेंगे। एक बिल्कुल छोटा चम्मच घी डाल देंगे मोयन के लिए, इससे पूड़ी बहुत अच्छी सॉफ्ट बनती है। और 2 चुटकी नमक, सारी चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका हम सख्त आटा तैयार कर लेंगे, जैसा कि हम पूड़ी के लिए आटा तैयार करते हैं बिल्कुल वैसा ही थोड़ा कड़क ही रखेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और इसे हम आटे को अच्छे से कड़क गूंथ लेंगे और फिर उस आटे को हम 10-15 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे। देखिए फ्रेंड्स, 10 मिनट हो गए हैं और हमारा आटा कितना बढ़िया सेट होके तैयार हो गया है। हमने एकदम कड़ा आटा उसना है। अब इसमें थोड़ा सा हम घी और डाल देंगे और इसे एक बार अच्छे से मसल लेते हैं और इसकी लोई तोड़ लेते हैं। पूड़ी के लिए हमने लोई तैयार कर ली है, हम इसे बेल लेंगे। बाकी मैं साइड में रख देती हूँ। 1 लोई ले लेंगे और हमारा आटा बहुत अच्छा कड़क लगा हुआ है तो हमें इसमें न तो एक्स्ट्रा ऑयल लगाने की ज़रूरत है, न ही सूखा आटा, ऐसे ही बहुत अच्छे से पिल जाएगी। गैस पर मैंने कढ़ाई में तेल भी गर्म होने के लिए रख दिया है। मैं और भी पूड़ी बेल के तैयार कर लेती हूँ। मैंने पूड़ी बेल के तैयार कर ली है, तेल भी गर्म हो गया है तो अब इसे तलना शुरू कर लेते हैं। पूड़ी तलने के लिए हमें तेल एकदम गर्म चाहिए होता है तो हम थोड़ा सा आटा डाल के उसे चेक कर लेते हैं। डालते ही जैसे ही ऊपर आ जाता है मतलब हमारा तेल का टेम्परेचर एकदम बढ़िया है, बिल्कुल तेज हो गया है गरम तेल हमारा। इसे हम निकाल लेते हैं। अब इसमें हम पूड़ी बहुत सावधानी से डालेंगे क्योंकि तेल बहुत गर्म है। कितनी बढ़िया फूली फूली हमारी पूड़ी बन रही है। हमने कुरकुरी बिल्कुल सेकी है, बहुत सुंदर इसका कलर आ गया है, आप देख सकते हैं। इस तरह से ऐसे ही मैं और भी पूड़ी बनाकर तैयार कर लेती हूँ। मैंने सारी चीजों को एक थाली में अच्छे से निकाल लिया है तो अष्टमी पूजा के लिए देवी जी को भोग लगाने की प्रसाद की थाली एकदम तैयार हो गई है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को इसे शेयर कीजिएगा और रेसिपी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में आके मुझे जरूर बताइए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसी ही एक नई रेसिपी के साथ। आप सभी को नवरात्रि के पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता दी।